मैं डॉक्टर इरशाद अली खान सहाचार्य राजकीय राजनीति विज्ञान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राष्ट्र शक्ति के तत्व के जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पूर्व में गैर मानवीय तत्व स्थायी तत्व का अध्ययन किया जिसमें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन थे, आज हम मानवीय यानी अस्थायी तत्व में विशेष रूप से केवल जनसंख्या का ही अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के बारे में प्रोफेसर हैंस जे मार्गेंथाउ ने बताया है कि जब हम भौतिक तथा समन्वित भौतिक और मानवीय तत्वों से हटकर केवल उन विशुद्ध मानवीय तत्वों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होती है, तो हमें उनके गुणात्मक तथा मात्रात्मक अंगों में भेद समझ लेना चाहिए। गुणात्मक तत्व राष्ट्र चरित्र, राष्ट्रशास, नेतृत्व, कूटनीति की गुण अवस्था तथा सरकार के साधारण गुणों से संबंधित है। मात्रा की दृष्टि से हमें इस तत्व को आबादी के मापदंड में परखनी चाहिए। यानी स्लाइचर ने भी इस संबंध में लिखा है कि जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्य की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह सबसे अधिक शक्ति सामर्थ्यवान होगा। यानी मुसोलिनी ने इटली वासियों को कहा कि जनसंख्या बढ़ाओ, और यानी साफ साफ सोचना ही ठीक होगा कि 9 करोड़ की जर्मनी 20 करोड़ स्लावों के सामने 4 करोड़ इटालियनों की क्या स्थिति है। यानी साफ कहा था इटालीवासियों को। इतिहास इस बात का गवाह भी है कि रोम साम्राज्य की शक्ति का मुख्य कारण उसकी विशाल जनसंख्या थी। अगस्टस से केवल 2 पीढ़ियां बाद रोम के पतन का बड़ा कारण भी उसकी बढ़ती जनसंख्या थी। अस्तु के विचार में यूनान के पतन का कारण भी जनसंख्या का नियमित हास था। स्पार्टा के नाश का मुख्य कारण जनसंख्या का अभाव था। मॉन्टेस्क्यू ने स्वयं ने लिखा है कि यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध ने युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रों की का नाश करने वाला सबसे सहारा कारण जनसंख्या नियंत्रण ह्रास होना है। ईश्वर सदा विशालतम बटालियनों की ओर है। यह कोई नया विचार नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अन्य बातें समान हो तो अधिक जनसंख्या निर्णायक हो सकती है। हमारी मान्यता यह है कि बड़ी जनसंख्या से यह तय नहीं हो सकता कि राज्य बड़ी शक्ति हो जाएगा, लेकिन कोई राज्य अपेक्षाकृत बड़ी जनसंख्या के बिना बड़ी शक्ति नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। हम जनसंख्या की संख्या हम पाते हैं कि कम जनसंख्या वाला राष्ट्र कभी भी बड़ी शक्तिशाली देश नहीं बन सकता। यानी हम इसे जैसे पामर और पार्किंस लिखता है कि कम जनसंख्या वाला राष्ट्र चाहे सैनिक, तकनीकी, आर्थिक विकास आदि से कितना भी संपन्न हो, वह राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं हो सकता, क्षमता वाला नहीं हो सकता। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अभी वर्तमान में ग्रेट ब्रिटेन, जापान, कनाडा इत्यादि देशों का हम अध्ययन कर सकते हैं, नेपाल, भूटान जो भी है इनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें जनसंख्या की बड़ी कमी के कारण बड़ी शक्ति बनने की संभावना नहीं रहती है। दूसरी तरफ चीन और भारत बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ की बड़ी शक्ति बनने की जनसंख्या कमी का तत्व है कर्नाटा की तरह बाधक नहीं बना हुआ है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कम जनसंख्या वाला राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली देश हो सकता है। यानी कि अधिक जनसंख्या युद्ध में लड़ने के लिए और उत्पादन कार्यों के लिए अधिक सैनिक और अधिक श्रमिक प्रदान कर सकते हैं। अधिक जनसंख्या योग्यतम व्यक्तियों को छांटने का अधिक विकल्प प्रदान करती है। यानी प्राकृतिक संसाधनों में समुच्चय विद्वान में भी सहयोगी भूमिका अदा करती है। इसके बाद में जो संख्यात्मक में पर्याप्त ज़्यादा जनसंख्या युद्ध और प्रादेशिक विस्तार का कारण बनता है। यानी कि ज़्यादा जनसंख्या होगी किसी देश की जनाधिक्य होगा तो उसका प्रादेशिक विस्तार का भी कारण बनेगा। जनसंख्या बसाने के लिए वह अन्य राज्यों पर अपना विस्तार करने का प्रयास करेगा और विस्तारवादी आक्रांशों का मूल कारण जनाधिक्य ही था, यानी जर्मनी का विशेष रूप से। इसी प्रकार जनसंख्या चीन के विस्तारवादी नीति का मूल कारण भी जनाधिक्य प्रतीत होता है। राष्ट्र शक्ति के निर्माण में अत्यधिक जनसंख्या भी बाधक होती है। यानी कि अर्थात एक तरफ कम जनसंख्या किसी राष्ट्र को बड़ी शक्ति बनने में बाधक बनाती है, तो दूसरी तरफ जनसंख्या अधिक होती है तो किसी राष्ट्र को विकास में बाधा भी डालती है। अधिक जनसंख्या राष्ट्र शक्ति के निर्माण में सहायता में बाधक होती है, सहायक के स्थान पर बाधक ज़्यादा होती है, और ऐसे देशों के सामने जनसंख्या नियंत्रण एक मुख्य समस्या होती है।
है, बांग्लादेश है, जापान है, रूस का कुछ हिस्सा भी एशिया में है, बहुत सारा हिस्सा एशिया में है, यूरोप एशिया। अफ्रीका के टॉप 10 में एक नाइजीरिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका का है, और ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का है। यानी कुल मिलाकर 3 राष्ट्रों को छोड़ दें तो पूरे 7 राष्ट्रों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही है, भारत ने एशिया में है, और भारत दूसरे स्थान पर आता है। आगे आने वाले समय में चीन ने जैसे जनसंख्या नीति अपनाई, उस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या भारत की ज़्यादा हो जाएगी। अब भारत के सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके जनसंख्या को इतना जो खाद्यान्न से संबंधित या रोजगार संबंधित हो, उसके आने वाले समय में समस्या आ सकती है। यानी सिलिचर ने इस संदर्भ में कहा है कि जनसंख्या को अधिक उसके वैध यानी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अर्थों में राष्ट्र शक्ति का एकमात्र निर्णायक तत्व के रूप में माना जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।